हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम लोग का सीरीज है वो डीआई का सीरीज है। आज से हम लोगों ने एक एक डीआई का सेशन लाने का सोच रखा है, ठीक है। आज हम लोग का पहला दिन है डीआई के लिए। मैंने पहले भी इससे पहले भी डीआई की सीरीज चला चुका हूं मैं, जिसमें हम लोगों ने वो पहले वाले फॉर्मेट पे बिना ये वर्ड के हम लोगों ने डीआई को कर रखा था, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर रखी है। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, काफी अच्छे सेशन है वो भी, ठीक है। तो आज से हम लोगों ने क्या किया है कि हर दिन एक एक डीआई लाने का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें हर एक डीआई में क्या बेहतरीन अप्रोच यूज कर सकते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व करने का। आज का जो हम लोग का डीआई है आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ बेस्ड है, ठीक है। और वो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, ये ग्राफ मैं अभी हटा दूंगा, इसके डेटा को मैं लिख लूंगा अभी, ठीक है। और इसी ग्राफ पे बेस्ड हम लोग का एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और उसी इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हम लोग को सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ को समझते हैं। आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकता, जगह की कमी है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ इस बोर्ड पे अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ में जितने भी डिटेल्स दिए हुए हैं उसे मैं हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग का ग्राफ में क्या क्या डिटेल दिए हुए है, पहले हम लोग को बोल रहा है फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आवर स्पेंट बाई 5% ऑन टू सोशल मीडिया, दो सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक एंड व्हाट्सएप अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो अप्रैल मंथ की कहानी दी हुई है, अप्रैल मंथ में क्या दिया हुआ है, दो सोशल मीडिया का, ठीक है। कौन कौन से वो दो सोशल मीडिया है, वो दो सोशल मीडिया है हमारा व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ठीक है, और कुछ लोग भी हैं, ठीक है, पीपल्स भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब पीपल्स लिख दिया हम लोग यहाँ पे, तो क्या दे रखा है, महेश का कितना दे रखा है, व्हाट्सएप जो यूज करता है वो यूज करता है महेश है, फिर जगदीश है, महेश जगदीश, फिर हमारा सिद्धार्थ, ठीक है, फिर है हमारा सिद्धांत, ये आर है, ठीक है, और है सिद्धांत, ठीक है, फिर है हमारा कार्तिक। अब यहां से देखो, ये यूज करता है व्हाट्सएप 80 घंटा और ये यूज करता है 90 घंटा, जगदीश यूज करता है 75 आवर एंड 60 आवर, ठीक है, फिर सिद्धार्थ यूज करता है हमारा 80 एंड 64, फिर सिद्धांत यूज करता है 72 एंड 75, एंड ये कार्तिक यूज करता है, ये यूज करता है 60 एंड 90, ठीक है। तो अब ये आपका जो ग्राफ दिख रहा था आपको, ये आपका ग्राफ चला गया। इसी ग्राफ को हम लोगों ने एक चार्ट में यहाँ पे नोट कर लिया शॉर्ट फॉर्म में, आप एग्जाम में नॉर्मली सॉल्व कर लो, यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा दे रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन बड़ा ही आसान है, लेकिन उसमें हो सकता है क्या कि बीच में एक दो पॉइंट जो है वो ट्विस्ट कर दे, या फिर कुछ एक लाइन को घुमा दे, ठीक है। एकदम केयरफुली इस टाइप के सवाल को पढ़ना होता है। सवाल में क्या, पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग का लाइन बाय लाइन हम लोग देखते जाते हैं क्या दे रखा है। नंबर ऑफ आवर कार्तिक स्पेंट ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, सॉरी फेसबुक एंड व्हाट्सएप इन जून वाज 20% मोर देन द नंबर ऑफ आवर स्पेंट बाय हिम ऑन ईच सोशल मीडिया इन अप्रैल, ठीक है। तो अब यहां से कहानी जो है जून की आ गई, ठीक है। जून में भी यही दो सोशल मीडिया के बारे में बात करा है, तो हम लोग इसी ग्राफ को जो है आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग का ब्लॉग बोलेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको भरते चले जाएंगे, ये जो जून की। जून में क्या बोला, कार्तिक जो है 20% अधिक स्पेंड करता है दोनों में अप्रैल से। तो कार्तिक यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 20% सिंबल और रिप्रेजेंट कर देते हैं अधिक। हम लोग का जो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, हम इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 20% अधिक जब बोला है तो 60 का 20% बढ़ा होगा, तो इजिली तुम्हें दिख रहा है कि 60 का 20% यानी 60 का 20% 12 होता है, 12 बढ़ा दोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 90 का 20% जब बढ़ाओगे तो 90 का 20% कितना होता है तुम्हारा, 108, 90 का 20% 18 होता है, यानी ये हो जाएगा 108। हम लोग ब्रैकेट में वैल्यू भी लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, सिद्धांत स्पेंट 40% मोर टाइम ऑन क्या है, फेसबुक इन जून। जून में जो है फेसबुक पे सिद्धांत ये जो है 40% अधिक स्पेंड करता है, और 40% अधिक स्पेंड करता है, और क्या बोल रहा है, वेयर एज 50% मोर ऑन व्हाट्सएप,
50% मोर स्पेंड करता है किस पे, व्हाट्सएप पे, तो 50% मोर यहां से हम लोगों ने इस पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा देख लो, 72 का 50% 36 होगा, 36 72 में ऐड करोगे 108 देगा, यानी कि यहां पे तुम्हारा क्या हो गया 108। 40% आ जाओ 72 5 का, 75 का 40%, यानी कि 40% यानी क्या होता है 2/5 होती है, ठीक है। 75 का जब तुम 2/5 निकालोगे 5 से कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, और 15 दुना कितना हो जाएगा 30, जब बढ़ा के आओगे तो बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा जो आ गया ये आ गया तुम्हारा 105, ठीक है। ये जब 105 आ गया तो आगे अब देखो आगे क्या कहानी बोल रखा है। अब देखो थंबनेल में तुम लोगों को दिखा होगा कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पे डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले बहुत लोग इस प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी से अवगत नहीं है, तो इसके बारे में बताऊंगा और इसको यूज कैसे करना है इस चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला लाइन देखो, अगला लाइन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ आवर्स सिद्धार्थ स्पेंट ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप इन अप्रैल, अप्रैल में जितना समय वो स्पेंड करता है वो 20% लेस है जून से। अभी तक हम लोग क्या था, अप्रैल से जून में आ रहे थे, लेकिन अब बोला अप्रैल में जो इन्वेस्ट करता है। अब यहां से मैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी समझाने जा रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग का क्या बोला कि अप्रैल में जो इन्वेस्ट करता है वो जून से 20% कम है, तो इससे अगर ये 20% कम है हमारा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा 80 होके आ गया हमारा, तो इसे हम लोग को क्या करना है। अब यहां से देखो इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में ये भी बोल सकता हूं कि जून से अप्रैल 80% आया तो अप्रैल से जून कितना परसेंट गया, ठीक है। तो अप्रैल से जून हम लोग को क्या दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है 20 का इंक्रीज हो रहा है, और इन परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा 20 बाई में 80 गुने में 100 जो कि कुछ और नहीं देगा 25% देगा, ठीक है। यानी कि हम दूसरी भाषा में इसे क्या बोल सकते हैं कि अप्रैल से जून जो होगा वो 25% का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का यहां से निकल गया कि हम इसमें 20% जून से अप्रैल में कम ना लिख के हम इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि 25% ये क्या चीज को बता रहा है, इंक्रीज को बता रहा है, ठीक है। 25% का इंक्रीज एंड यहाँ पे भी 25% का क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या है, देखो अगर किसी भी पार्ट में अगर n बाई डी का डिक्रीज हो रहा है, n बाई डी का मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, n बाई डी होता है डिनोमिनेटर, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। n बाई डी जैसे यहाँ पे हमारा था ना 20% का डिक्रीज, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई 1/5। अगर कोई वैल्यू 1/5 से डिक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू जो इंक्रीज करेगी वो कितने से इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी n बाई डी माइनस एन से, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितने से इंक्रीज करेगी, d माइनस एन से। तो देख लो 1/5 से डिक्रीज करा था, 1/5 माइनस 1 से इंक्रीज कराओगे तो यानी क्या हो जाएगा 1/4 जो कि हमें क्या देता है 25% देता है, और यही हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो तो 20% जब डिक्रीज हो रहा था तो 25% हमारा यहाँ पे आया था, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी हमारा भी यही चीज आया, और ये चीजें जो है हम मुंह पे एकदम आराम से इजिली कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई समय नहीं लगेगा इस चीज को करने में। तो बिना देरी किए हम लोग इस चीज को आराम से निकाल सकते हैं कि अगर कभी सीधा के जगह उल्टा दिए हुए रहे तो उसको वापस एक लाइन में कैसे आना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज को दिमाग में, अगर मुंह पे ये सब चीज हो रही है तभी ये शॉर्ट लगेंगे, अगर लिख के करोगे तो ये ज्यादा टाइम टेकन लगेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है, इसका दो रूप होता है, ठीक है। दो रूप क्या होता है, एक डिक्रीज जैसे कर रहा है, दूसरा हो सकता है कि वह इंक्रीज भी करेगा। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एन बाई डी से अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे पार्ट में, या फिर हमको डिक्रीज निकालना होगा, तो डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे, एन बाई डी माइनस एन से क्या निकालेंगे, डिक्रीज निकालेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई एन बाई डी से इंक्रीज कर रहा है तो अगली बार डी प्लस एन से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, यही है हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। ये बड़ा ही आसान होता है याद करने में, अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे भी प्लस लगा के इधर डिक्रीज कर दो, ये डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे भी माइनस लगा के इंक्रीज कर दो, बड़ा ही आसान है याद करना, याद करने में भी तकलीफ नहीं है। यही हमारा मेन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। और देखो कितना आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा कि ये जून से दिए हुए था जबकि जून का डेटा गायब था। अगर नॉर्मली तुम इसे सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ये जब इस टाइप का सवाल आए तो तुम आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्लियर हो गया, हम लोग वापस डीआई की ओर आते हैं। ग्राफ में देखो हम लोग का ग्राफ में क्या बोल रखा है। अब ये 25% है तो 25% का इंक्रीज यहां से निकाल दो, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/4, 80 का 1/4 20 होता है, तो ये इंक्रीज करके क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है।
ये जब इंक्रीज करके हमारा 100 हो गया तो यहां से हमारा 64 है, इसकी 1/4 निकालोगे तो 16 होगा, 16 इंक्रीज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बिना देरी के हम लोग आगे निकलते चले जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है हम लोग का सवाल में कि जगदीश स्पेंड 20% लेस टाइम ऑन ईच ऑफ द सोशल टू मीडिया प्लेटफॉर्म। जगदीश जो है 20% जो है वो क्या करता है, कमी, और यहां पे भी क्या करता है 20% की वो कमी करता है। ठीक है, तो 20% मतलब क्या हो गया, 1/5 जब आओगे तो 75 का 1/5 15 होता है, कम कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60, 1/5 जब करोगे तो 12 की कमी होगी, 12 का कम करोगे तो ये हो जाएगा 48, यहां से वैल्यू निकल गया तुम्हारा। अब इसमें आते हैं महेश के लिए, महेश के लिए क्या बोल रखा है सवाल में, महेश स्पेंड 10% लेस टाइम ऑन ईच ऑफ द टू सोशल मीडिया, 10% कम समय, तो इसका जब 10% निकालोगे तो 1/10 यानी कि 10% कमी है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/10 जब करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 72, और ये हो जाएगा 10% की कमी जब करोगे इसमें भी तो ये हो जाएगा तुम्हारा 81। ठीक है, यानी कि ये सारा डेटा निकल गया। अब जो भी सवाल तुमसे देगा वो इसी के बेसिस पे तुम्हें सवाल देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ सवाल नहीं आने वाला है। अब सवाल को देखो क्या है, पहला सवाल देखो क्या, और पहला सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना डेटा निकाल लेने के बाद भी सवाल को कैसे तेजी से अप्रोच करना, ये देखो। पहला बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन फेसबुक बाय ऑल 5 पर्सन इन जून एंड दैट इन अप्रैल। ठीक है, सभी 5 लोगों के द्वारा जून में और अप्रैल में फेसबुक पे जो टाइम स्पेंड करा गया था उसका डिफरेंस निकालना। अब तुम यहां से ध्यान दो कि अगर हम बोलें कि अप्रैल में हमारा 100 लोग था, ठीक है, और जून में 10% बढ़ के आया, तो 10% बढ़ के आने का मतलब क्या हो जाएगा, 110/100। और इन्हीं दोनों का अगर हम तुमसे डिफरेंस पूछ दें तो तुम क्या करोगे, 100 और कॉमन लेके अगर घटाओगे तो 1- क्या करोगे, 110/100। यानी कि यहां से तुम्हारा क्या हो रहा है, 100 × -10/100 क्या हो जाएगा, 100, कुछ इस तरीके से तुम्हारा निकल के आएगा। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो, अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस प्लस में आ जाएगा। मतलब क्या है कि कोई एक सफिशियंट वैल्यू, हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर 10% का वो इंक्रीज किया और दोनों का अंतर बताना है, मतलब अगर इसका और इसका अंतर बताना है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे कि 100 × 110/100 और माइनस में जब 100 करेंगे तो अंतर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 अगर कॉमन ले लेंगे तो 110 − 1/100 जो कि 100 का कितना है, 10% निकल के आएगा। मतलब या तो तुम कैलकुलेट करके निकालो या फिर आसानी से एक बार में निकालो, वो भी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से फेसबुक टोटल ऐड कर देंगे, यहाँ से हम फेसबुक टोटल ऐड कर देंगे और दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। या फिर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 90 है और यहाँ पे 81 है। अगर तुमको डिफरेंस जो पूछा है, डिफरेंस जो पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, दैट इन अप्रैल, जून एंड अप्रैल, जून से अप्रैल में, तो 81 में 90 चला वन चला जाएगा, यानी कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस में 9 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा ना की पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग, मतलब ना सॉल्व करते चलते हैं। माइनस में हमारा क्या बचेगा, 9, 60 है, 48 है, कितने का डिफरेंस है, 12 का, यानी क्या बचेगा, 12 बचेगा, 64 है, 80 है, इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ, 16 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर 75 है, 105 है, कितने का इंक्रीज हुआ, 30 का इंक्रीज हुआ, 90 है और 18 है, कितने का इंक्रीज हुआ, 18 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, बस यही था सवाल में। अब यहां से ऐड कर दो, तो यहां पे देखो प्लस में 16 प्लस में 12, यानी कि अभी भी प्लस में मेरे पास क्या बचा हुआ है, 4, माइनस में 9 है, प्लस में हमारा 4 था, यानी कि हम माइनस में कहा, इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में हम कितना चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, माइनस 5 और यहाँ पे 30 है, यानी 25 और 18 ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 43, और यही हमारा आंसर इस सवाल का, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 43 हो जाएगा। कितना ही आसान सा सवाल था। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है हम लोगों का, अगला क्या बोल रखा है हम लोगों को, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय ऑल 5 पर्सन ऑन व्हाट्सएप इन जून। जून में सभी 5 पर्सनों का एवरेज बताना है, तो जून का हमारा व्हाट्सएप पे सभी 5 पर्सनों का ऐड कर दो, ऐड कर लोगे यहां से तुम तो 100, 100, 200 और यहां से तुम ऐड कर लो ना 80, 280 नहीं हो गया तुम्हारा, 280 और 60 जब तुम करोगे, 200, 80, 100, 100, 200 और 280। ठीक है, किसका किसका निकालने के लिए बोला, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर इन जून में। ठीक है, तो जून में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 और 100, 200, 200 यहां से 80 हो गया, 280 और 60 करोगे तुम तो ये हो जाएगा 340 और 72 करोगे तुम, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 और 12, यानी कि 412 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा ऐड करने के बाद यहां जो आएगा ये आ जाएगा 400 में 12।
अब इसी का हमसे एवरेज पूछा है, तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हैं, 5 निकाल दो। अब देखो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसको जस्ट दुगना करो और 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 412 को दुगना करोगे जब तुम, तो ये तुम्हें देगा 824, और इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ डेसिमल दे देगा, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 82.4 मिलेगा, और यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, अगला बोल रखा है द टोटल नंबर ऑफ आवर स्पेंट बाई कार्तिक एंड महेश इन जून फेसबुक पे, टोटल नंबर ऑफ आवर स्पेंट ऑन फेसबुक बाई कार्तिक एंड महेश, कार्तिक और महेश का जून में, तो कार्तिक और महेश का देखो तो कितना है, 108 है, और महेश का कितना है, 81 है। ठीक है, ऐड कर दो यहां से, तुम्हारा हो जाएगा 189। ठीक है, जून में निकल गया 189। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल आवर स्पेंट बाई देम ऑन फेसबुक इन अप्रैल, अप्रैल में कहा है, यहाँ 90 है और यहाँ पे भी कितना है, 90 है, 90 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अप्रैल में जो निकल के आया तुम्हारा वो निकल के आया 180, कितने का इंक्रीज हुआ, 9 का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज जब निकालोगे तो 9/180 गुने में कितना हो जाएगा, 100, तो 9 से कट जाएगा 20 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, 5% का क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया, कितने परसेंट का इंक्रीज दिख गया हमको इस सवाल में, 5% का इंक्रीज दिख गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है हम लोगों को कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड बाय सिद्धार्थ एंड जगदीश ऑन फेसबुक, ठीक है, फेसबुक में एंड व्हाट्सएप इन अप्रैल, सिद्धार्थ और जगदीश के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पे अप्रैल में, तो सिद्धार्थ और जगदीश कहाँ है, देखो तो सिद्धार्थ यहाँ पे है फेसबुक व्हाट्सएप, और जगदीश यहाँ पे है फेसबुक व्हाट्सएप। ठीक है, और इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है हमारा, टू द टोटल टाइम स्पेंड देम बाय फेसबुक व्हाट्सएप इन जून, इसी का टोटल टाइम यानी कि जून के साथ रेशियो निकालना है, 100, 80, 48 और यहाँ से 60। ठीक है, तो ऐड कर लो यहाँ से, ऐड जब करोगे तुम तो 60 और 60, 120 और 80, 200 204 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड कर लो 204 में 75, यानी कि ये हो जाएगा 279। ठीक है, रेशियो निकालना है हमारा। आगे चलते हैं, अगला हम लोगों का देखो क्या है, 100 है यहाँ पे, 100 और 80, 180 और 60 यहाँ ऐड कर लेते हैं, या भी 60, 40, 100 कर लो, 200, 280 और 8, 288। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा इस सवाल में, जो लोग इस वीडियो को आगे तक देख रहे हैं वहां पे क्या है तुम्हारा, इस चीज को ध्यान रखो यहाँ पे कि जब जब इस टाइप का तुम्हें आए काटने के लिए इतना बड़ा बड़ा नंबर, और यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 9 का है। ठीक है, ऑप्शन की ओर जब तुम ध्यान से देखोगे तो 2-3 ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो एकदम पेयर में तुमको मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे तुम देख लो ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, 33-32 है, 31-32 है, ये सारा तुम्हारा क्या है, पेयर में है। ठीक है, तो जब तुम 33 को 9 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, 31 को 9 से गुना करोगे यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, 9 से इसे काट के देखोगे जो डिफरेंस आया है ये 31 बार में कटेगा और ये 32 बार में कटेगा, यानी कि रेशियो जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 32 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31:32 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या है, अगला बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आवर स्पेंट ऑन व्हाट्सएप बाई कार्तिक सिद्धांत एंड जगदीश टुगेदर। ठीक है, कार्तिक सिद्धांत और जगदीश कहा है, कार्तिक सिद्धांत और जगदीश इन अप्रैल, कार्तिक का है 60, सिद्धांत सॉरी किसमें बोल रखा है, टोटल नंबर व्हाट्सएप पे, ठीक है, कार्तिक का है 60, सिद्धांत जगदीश, सिद्धांत का है 72 और जगदीश का है 75। ठीक है, 140 और 60, 207 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये 207 आ गया, बोल रहा है इज टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय देम ऑन व्हाट्सएप इन जून, जून में जो स्पेंड कर रहा है इसका कितना परसेंट है, तो कार्तिक का जून में कितना स्पेंड कर रहा है, 72 स्पेंड कर रहा है। ठीक है, सिद्धांत जो है व्हाट्सएप पे कितना स्पेंड कर रहा है, 108 स्पेंड कर रहा है। ठीक है, और जगदीश जो है वो कितना स्पेंड कर रहा है, 60 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से ऐड कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 180 और 60, ये यानी कि कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि ये 207 जो है 240 का कितना परसेंट है, 240 का x परसेंट है हमारा क्या है, 207। ठीक है,
या फिर से तुम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो 207 अपॉन में 240 गुने में 100। अब तुम्हें जैसे सॉल्व करने का मन है इसे सॉल्व कर लो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इसे कैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करता अगर आती मेरे पास सवाल। तो ये क्या है हमारा 207 है 240 है, हो सकता है यहाँ पे ना यहाँ पे थोड़ा तुम्हें कोई और आसान ट्रिक मिल जाए, कहीं और तुम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस चीज के लिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुने में 100 है। अगर हम लोग यहाँ पे इसे 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा 80 बार में, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 से 6 और 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इस 69 को हम 8 के नियरेस्ट मल्टीपल में लिख सकते हैं 64 प्लस में 5, और बटे में 80 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बटे में 80, और इसको क्या कर सकते हैं 100 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हम इस चीज को गुना। अब यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो इसको हम लोग दो टुकड़ा में बांट के गुना करेंगे, 64 गुने में 100 और प्लस में 5 बाई में 80 गुने में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से काट दोगे इसे तो 16 बार में कट जाएगा, 8 से काट दोगे 10 बार में, 8 से यहाँ 8 बार में, 0 0 खत्म। यहाँ से ये हो गया 80 और प्लस में 1/16, तुम्हें अगर याद है तब तुम्हारे लिए ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं यार, तुम निकाल लो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तुम्हें देगा 6.25, ठीक है, और इसी को ऐड करोगे तो ये तुम्हें दे देगा 86.25%, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है 86.25%। बिना देरी के हम लोग इस सवाल को, हो सकता है तुम्हारे लिए सवाल को और किसी तरीके से तुम आसान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन कहीं और अगर जरूरत पड़े तो तुम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये सवाल को बहुत ही आसान बना देता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जितना आसानी से ये वाला पार्ट कट गया वो ना कटे, लेकिन अप्रोक्स में लेकर तुम निकाल सकते हो क्योंकि डेफिनेट तुम यहाँ तक पहुंच गए। हो सकता है ये भी कि तुम जब डेफिनेट यहाँ पे पहुंच गए हो तो इसके अप्रोक्स में तुम देख के ही बता दो, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखो, ये सब कैलकुलेशन टेक्निक है जो डीआई में काम देती है बहुत ज्यादा, और इसी तरीके से हम लोग इस डीआई को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया, और चैनल को जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, पीडीएफ अटैच है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देख लो, प्लेलिस्ट भी अटैच है प्रीवियस डीआई का सारा चीज है, और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सबको शेयर करो। थैंक यू।